भारत में कोरोना संक्रमण का पहला मामला पिछले साल जनवरी में आया था। एक साल के भीतर देश में 1 करोड़ से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 13,203 नए कोरोना मामले सामने आए और 131 लोगों की जान गई है। बीते दिन 13,298 लोग कोरोना से ठीक हो गए हैं। लगातार चौथे दिन 15,000 से कम कोरोना संक्रमण के मामले दर्ज किए गए। वही बात की जाए कोरोना के नए स्ट्रेन के मामलों की, तो स्वास्थ्य विभाग के बुधवार को अचानक 25 नए केस सामने आए, जिसके बाद देश में संक्रमितों की संख्या 141 हो गई और गुरुवार को 4 नए मामले सामने आए, जिसके बाद संख्या 145 हो गई। बात की जाए शनिवार की, तो 5 नए मामले सामने आए, जिसके बाद मामलों की संख्या 150 हो गई। बात की जाए रविवार और आज भी कोई नया मामला सामने नहीं आया, जो कि सभी देशवासियों के लिए राहत की खबर है। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताज़ा आंकड़ों के अनुसार अब देश में कोरोना के कुल मामले बढ़कर 1,06,67,736 हो गए। कुल 1,53,470 लोगों की जान जा चुकी है। 1,03,30,000 लोग कोरोना को मात देकर ठीक भी हो गए हैं। देश में अब एक्टिव केस की संख्या घटकर 1,84,000 हो गई है, जिनका इलाज हो रहा है।